आज से वोटर आईडी से आधार नंबर जोड़ने का अभियान शुरू हो गया है। 1 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 तक अभियान चलेगा। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के आधार नंबर जोड़ेंगे, ऑनलाइन भी जुड़वा सकेंगे आधार नंबर। साल में 4 तिथियों में 18 साल पूर्ण करने वाले युवा पात्र होंगे और 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 अगस्त और 1 अक्टूबर को 18 साल के हुए युवा पात्र होंगे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आवेदन एडवांस में कर सकते हैं। 17 प्लस होने के बाद भी आवेदन कर सकेंगे। 18 के होने के बाद नाम जुड़ेगा। आधार नंबर जुड़वाना है और स्वैच्छिक आधार नंबर नहीं जुड़वाने पर नहीं हटेगा मतदाता सूची से नाम। 9 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 5 जनवरी 2023 में फाइनल मतदाता सूची होगी प्रकाशित। सर, आज ये मीटिंग जो ली गई है, इस बारे में बताइए। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में आधार कार्ड कलेक्शन और 18 साल के उम्र पूर्ण करने वाले मतदाताओं के नाम जोड़े जाने का कार्यक्रम चालू हो गया है। इसके तहत आज जनपद चौराहे अंतर्गत स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रमुख दलों के सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाया गया था, सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया गया था। मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से उन्हें पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है और आज से आधार कार्ड कलेक्शन का काम प्रारंभ हो गया है। सर, मैं इसमें मुख्य बातें क्या हैं? मुख्य बात यही है कि आधार कार्ड इस बार अनिवार्य है, लिंक होगा मतदाता सूची के साथ, ताकि कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके। और हम मतदाताओं को आश्वस्त करते हैं कि उनका आधार कार्ड बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, पूरे 8 डिजिट उसके मास्क रहेंगे और जो भी आधार कार्ड वाले कागज रहेंगे वो सभी डबल लॉक में सुरक्षित रहेंगे। कब तक चलेगा सर ये कार्यक्रम? ये अभी जब तक के कलेक्शन पूरा नहीं हो जाता तब तक है, ये आज से प्रारंभ है।